दगड़ियों एक बहुत बढ़िया और बड़ो सवाल ये बोलिन पूछी अभी कि हम छो आया सर ने कार बनाना खातर लेकिन जख मजी दी डॉक्टर बैठा और खून निकालने लग्या तू खून के लिए निकालने लग्या और ये सवाल एक सिर्फ ये बोली को नहीं यानी और दीदी बोली चाची बड़ू छा जो गौ बेटी ऑनन प्रमुख लोग समझौना नहीं और उल्टा बढ़ गा बल्कि अगर वो पार्टी का आदमी होगा तो बोलेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है और विरोधी होगा तो और ज्यादा भड़काएगा। ये सरकार ने खून निकालने का एक प्रयास एक वो अभियान चला कर खून चूस लो और दोनों कुछ कर रहे नहीं तंत्र सच में कहने कुछ नहीं रहा पर लुगा जमा एक और बैंक बैठ गई कि खून ना मत छोड़ लिया तो जितना दीदी बोले मैं चलो कैमरा में थोड़ा कैमरा घुमा जा रही हूँ चलो अब पिछले भी घुमा जा रहा हाथ खड़ो कर रहा कि मेरे सवाल ये बोली सवाल सही करता हाथ खड़ो कर रहा ये बोली ठीक पूछी सब हाथ खड़ा करा सब हाथ खड़ा हो गया यानी कि होगा मान मा भी सवाल था कि हमारा खून के लिए लगान लिया ये बड़ा सवाल है तुम्हारा मन तो हाँ जी था ना हाँ। आपके भी था हाँ जी आपके भी था हाँ। आपके मन सबके मन में था तो दिखे आला भाई अब मैं तो बाद में समझो लू पर पहले मैं चलो डॉक्टर साहब मां और बात कर दू कि खून के लिए निकालने लग गया ये तो बहुत बड़ी एक विषय है कि डॉक्टर साहब फिर आएगा मैं तुम्हारे द्वारा गढ़वाल था ना आप भी तो ये कह रहा अपनी मुख नहीं दिखा जाता मुझे कोई बात नहीं अब चलिए कोरोना थोड़ा बाकी सबसे पहले आपको धन्यवाद योग योग विवाद ठीक है जब खून का पेड़ नहीं लगा भाई अभी नंबर आई आई तो देना पहले चलो बहुत बढ़िया आसन जरूर से ये खून खान लगा आ तो वहां रहेगा तो वहां से तो खून पर जा दू है ना डॉक्टर साहब नमस्कार प्रणाम ये के बारे में जरा बताओ गढ़वाली बोली भाषा में कि खून से नाप कहां लिया किले कहां लिया ये दरिया सर अरे तो हम यूं समझो नो कि ब्लड की निकाल लगा जो जो पूछदान होते थे हम बता देना और थोड़ा देर दूर जाने के बाद ही बोल दान की बेचना निकाल लगा तो ये भी समझे समझे की बात मंगे ही नहीं बोल दान लेकिन बात वो नहीं है बात इन कि ब्लड जो जाता है ना इनका वो उसमें क्या बोलते हैं उसका नाम टेस्ट होने के लिए जाता है यहाँ से ज्यादा ज्यादा हम 10 ml ब्लड लेते हैं 10 ml वायलों में जाता है 5 vials में जाता है 5 vials में 10 ml ही ब्लड जाएगा इससे कम नहीं जाता है कम ले लेंगे हम जैसे किसी के प्रेगनेंसी वगैरह होगी किसी की कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हम कम ब्लड लेते हैं लेकिन इतना जाएगा ही जाएगा क्योंकि फुल बॉडी में इतना ही जाता है मशीनों में इतना ही ब्लड लगता है एक बारी में इसलिए ज्यादा सैंपल जाता है जैसा डरो मत ज्यादा सैंपल जा रहा है तुम्हारे लिए वो जो बीमारी हाज हो रही है ना स्टार्ट हो रही है उसे खत्म करने के लिए वो बाद में हॉस्पिटलों में बड़े बड़े इलाज कराओगे उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको इसलिए है वो इसलिए करवाना जरूरी है ब्लड टेस्ट और कार्ड के साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोग श्रमिक लोग इतने बड़े टेस्ट नहीं करवा पाते इतने महंगे महंगे टेस्ट आप लोगों के लिए ही है वो सुविधा है वो इसलिए धन्यवाद आपको आप कुछ बोलना चाह रहे हो हाँ यही कहना चाह रहे हैं कि लोगों को ये कराना चाहिए कि फ्री में हो रहा लोगों का 10,000 के टेस्ट फ्री में करा रही सरकार तो लोगों को पहले वैसे ही कराना चाहिए टेस्ट धन्यवाद बोली आपको सवाल बहुत बढ़िया तो अब समझ में आई हाँ जी यही जानना था बस यही जानना था अब थोड़ा भाई बोलियो दीदी थोड़ा शांत रहा जरा आपन सुने दी लेकिन अब ये आवाज हमारी देश विदेश में जाना जितना दीदी बोले वहां बैठी तब लास्ट मुख्य बात जवाब दिया है डॉक्टर साहब सर बोल लगे कि शर्मी कार बना शर्मी को मतलब मजदूर यानी कि आप लोग मजदूर श्रेणी में आते हैं और यहाँ खाते तुम्हारा कार बन लगे और ये कार को मतलब से भले आज तुम तो परेशानी बढ़ लगी एक अलग मैटर से ये कार से बन से फायदा क्या तुम्हारू भगवान ना करो कोई काम धाम कर लगी मजदूरी कर लगी हूँ लेकिन चोट फड़ाने लगी तो वेते हैं जो चाहे को बीमा मिल दू नौनी बीमा बल पहले 1,00,000 मिलते हैं अब 50 और आधा कर ली नौनी 12 पास कर ली तब तभी 50 मिलन क्यों भी एक अलग विषय है चलेगी पहले 1,00,000 मिलते ही अब उन बांटिया ली अब 12 पास करने भी करे मैं जब लड़ा सरकारी स्कूल बंद हो रहा था लोगों से भी 12 पास निशान करेंगे एक लेकिन अलग विषय है तो खून यहाँ सब लड़ेगा ही अगर आप ब्लड ले ला एक जाँच बोली थोड़े से खून लेना वो भी अगर कोई गर्भवती महिला वो कम निकाला है इन्वर्टर साहब कि आपकी जांच भेज सकू कि मजदूर आदमी छा बड़ो टेस्ट 5,000-6,000 को पूरी होल बॉडी को नहीं करे सकू वहां खाते ले दान तो अब अगर आप ये बात मतलब एक किस्म की ये भारत सरकार की आप खाते एक बहुत बड़ी एक अनुदान से मतलब आप खाते रही गिफ्ट छा कि आप लोग कम से कम पता लग सको आप इलाज के करे सकता तो अब आपने समझ में आई अब हाथ खड़का जरा जरा किचन बोला जरा आई बात समझ में है जी आप इसमें कह रहे साहब जरा
आप देखिए भाई समझ में बात सवाल बिल्कुल आपका बात समझ में आएगी थोड़ा पिछले पिछले जन स्कूल में पूछा तुम्हारा आई समझ में बात है ना जोर से बोल दो बोली जी ये देखो एक मिनट आप बताओ एक मिनट इसी बेटे से पूछता हूँ मैं बेटी गुड़ा बोला नहीं ये मैं खून से निकाल लगा टेस्ट करना खातर तो लोग बस डेरा गो फिर खून निकालना बेचने लग गया क्या आपको मन में सवाल तो आप सुनिए आपको सुनिए आप ये बोल डॉक्टर साहब ने कि हम खून ना खाते लेना कि अगर कहे के अंदर कोई भयानक बीमारी हो रही होल बॉडी यानी संपूर्ण शरीर का एक टेस्ट होता है एक ब्लड के माध्यम से और अगर किसी को समस्या हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक मैसेज आएगा और आपको पता लगेगा मुझे क्या बीमारी है तो अब आपको समझ आ गई बात ब्लड टेस्ट क्यों कर रहे हैं है ना चलो बहुत बढ़िया तुम्हारे कितनी भूल गया भाई चलो भाई वीडियो आप लोग सभी लोग शेयर करें देखो समाज में आज जागरूकता फैलाने की बहुत आवश्यकता है भ्रामकता नहीं बहुत से लोग काम से वीडियो बड़े बड़े थे उल्टी पुलटी वीडियो बड़े थे लोग भड़काने लगे वीडियो होना लोग पैसे कम होना ठीक है लेकिन सच्चाई दिखावा अपने लोग जागरूक बना तब देखते हम लोग ये समस्या से बाहर निकलना तो चला भाई दगड़े दीदी बोलियो चाची बढ़ो अब आप समझ गए और जो मैं दाना सियाणा मोबाइल नहीं जो तुम जवान जवानों काम से वो तो समझाना आप ठीक है लोग भड़काना और ये वीडियो जरूर शेयर करें आप और बार बार भाई डॉक्टर साहब आपको धन्यवाद और एक एक बात और बन जाना मैं तुम बोली आ रही पर तुम ध्यान सुना जितना लोग रील बनाओ ना डांस कर करी थे तुम क्या लगो पैसा कमा लिया हम ना वीडियो बनाना ना क्योंकि तुम वीडियो देखने बंद करा भाई वीडियो तय की जगह तुम जो समाज के प्रति कुछ एक संदेश जड़ लगू हम तो कोई नमस्कार हम तो कोई पैसा नहीं मिल दू भाई हम तो ये कीड़े बड़े दिमाग में समाज जब हमारे पास उड़ तब हमारे कुछ फायदा बोलू तो जय हिंद जय भारत और जय हमारे डॉक्टर साहब की और सरकार की इस योजना के लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा लेकिन दुख इस बात का है कि जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों को सरनी कार्ड बनाने में परिश्रम करना पड़ रहा है जितनी यहाँ पे समस्या है शौचालय नहीं है क्या क्या नहीं है यहाँ पे कूड़ादानी देख लो आप तो इसलिए जो है और इस बना लो इसमें ऐड करूँ मैं ईश्वरी और ये एक बात मैं और बोलना चाह रहा हूँ देख ला भाई तुम ये सरकार भी अगर दुकान खोल लगी गाँव गाँव पता क्या खोल लगी मुझे पता भी और ये ग्राहक से जान क्यों दिन में सर्वे कार्ड में काम कर क्यों जरा मेहनत कर अयोध्या श्याम आटा पर आने आना तुझे हम जान क्या लगे थोड़ा बहुत स्कीम राशन पानी ये बोतल की ऐसा वसूल हो ये क्यों बंद करा अपनी दीदी बोलो तो चाची बोलो तो माँ सही निर्ला अपना वैभव सही अभी तुम राखड़ी बांध ली अपनी बहने के हाथ पर तब तीन पर्स तुम मेरी वीडियो देखी बोली मेरी दीदी बोली बोला कुछ नहीं दी लेकिन दारू प्राण मैं तो खैर क्यों नहीं ठीक है अब जब बात खून की आएगी तो ये खून आज तुम टेस्ट करा ली मैंने ब्याज एक बोले खून दिन ब्याज ये सुबह जी जान नहीं पहचान नहीं मैंने किले दी नहीं जब छने आता भाई डेढ़ सौ ना ठीक है तो ये तुम्हारा सबको फायदा कहीं कोई नुकसान नहीं जागरूक बना कह की बात तुम्हारा बिल्कुल आवड़े नहीं प्रणाम।